साथियों आज फिर से आप सब लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल राउश न्यूज़ फिक्स में गिव वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर थर्ड पेज समाप्त हो चुका है, थर्ड पेज का क्या कट ऑफ रहेगा वो आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करना। चलिए तो फेज थर्ड समाप्त होने के बाद क्या लेवल रह सकता है कट ऑफ का, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपस्थिति से। ठीक है, अगर इसमें उपस्थिति की बात की जाए तो इसमें उपस्थिति अभ्यर्थियों की 30-40% रही है, मतलब इसमें अभ्यर्थियों ने कम से कम उपस्थिति दी है इस एग्ज़ाम में भागीदारी निभाने के लिए। अगर इस एग्ज़ाम का लेवल हम पूछा जाए कि कैसा लेवल रहा है, तो कई लोगों से एनालिसिस करने के बाद कई शिफ्टों का हार्ड बोला गया है और कई शिफ्टों को मॉडरेट बोला गया है, लेकिन ईजी तो कहीं नहीं बोला गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि इस फेज में जितने भी अभ्यर्थी आए हैं उनकी तैयारी बहुत कम थी, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ रेगुलर, मैं पूछ रहा हूँ अभ्यर्थियों से, तो बहुत कम तैयारी थी, मतलब पेपर देने आ गए, प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो और अटेम्प्ट की बात करें तो भैया अटेम्प्ट तो 100 भी करें, 80 भी करें, 88 भी करें, 90 भी करें, भाई इसमें तो अटेम्प्ट करने वालों की तो तुम बात ही मत करो, इतना अच्छा अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन क्या ये सब कुछ सही है? जब तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुमने इतना अटेम्प्ट कर कैसे दिया? 80 अटेम्प्ट कर दिया तुमने, 100 अटेम्प्ट कर दिया, 90 अटेम्प्ट कर दिया, तो बोलने को तो वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तैयारी नहीं है इस बात की गारंटी है। सब लोग ऐसे ही पेपर दे रहे हैं फेज थर्ड में। ठीक है, बहुत हाँ उनकी भी मैं कहूँगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो उनके हिसाब से ये कट ऑफ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मीडियम लेवल पर अगर बात की जाए तो मीडियम लेवल पर इसका कट ऑफ कम ही रहेगा, वो कितना कम रहेगा वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले थोड़ा सा लेवल को अगर मॉडरेट मान के चलें तो मैथमेटिक्स में इजी टू मॉडरेट रहा है, रीजनिंग का लेवल इजी टू हार्ड रहा है, और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, जिसमें 2022-21 का अपडेट वर्जन पूछा जा रहा है। साइंस का लेवल भी अच्छा खासा आ रहा है, जो साइंस से स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो साइंस से नहीं अदर सब्जेक्ट से उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा रहा है एग्जाम में, बायोलॉजी उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जा रही है। तो ज़्यादा थ्रस्ट आने वाले एग्जाम के लिए जिनका अभी नहीं हुआ है, फोर्थ फेज में चल रहा है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोर्स देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। एक मैंने पोल कराया हुआ था कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले का ही डेटा है इसमें, तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। 21,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अभी जो और पोल चल ही रहा है। चलिए अगर हम बात करें तो 45-50% 10% का मिल रहा है यहाँ पर हमको लेवल, और अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, 50-55% का आपको 13% मिल रहा है, 55-60% के बीच में 48%, तो मोस्ट ऑफ दी अभ्यर्थी इसी के बीच में अटैम्प्ट करके आया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बोलने के लिए तो 100 बोला है लेकिन करके तो इतना ही आए, सही अगर उन्होंने अपने घर पर जाके कैलकुलेशन करके निकाला होगा तो इतना वो अपने आप को सही मान रहे होंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बताने का प्रयास करूंगा क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। हार्ड कट ऑफ नहीं जाएगा, हार्ड मैंने फिर भी लिख कर रखा हुआ है कि हार्ड जाएगा तो इतना जा सकता है, लेकिन इतना नहीं जाएगा भाई, ये बात की गारंटी आप लिखा के रख लो। अगर जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो रहेगा 57.7 से लेकर 64.8 के बीच रहेगा, और हार्ड की बात करें तो 67+ रहेगा। जो हार्ड में रुचि रखते हैं कि उनको लगता है कि इतना जाएगा, उनके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि हार्ड अगर सोचते हो तो आप इतने को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं जाएगा ये बात की गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं और उससे पता चलता है कि इतना तो नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि कट ऑफ को देख के बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसा कोई मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आप लोगों को नाराज़ करूँ, बस मैं जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर इतना आ रहा है आपका जनरल वालों का 57.7 के बीच से 64.8, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो और फिजिकल की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 54.3 से लेकर 58.4 के बीच में रह सकता है। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का रहेगा आपका 54+, और एससी की बात करें तो 49 से लेकर 52 के बीच रहेगा, और एसटी की बात करें तो 55 के प्लस में रहेगा। और जिन अभ्यर्थियों के जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर उनके 40 नंबर ही बन रहे हैं तो उनको इस जोन से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उनका भी चांस है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर वाले हैं बंदे तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एनालिसिस करते हैं उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं, और कोई भगवान नहीं है तो मतलब कि एग्जैक्ट ही बता दें, तो आप समझने का इस चीज़ को प्रयास करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।